आ गया देखो। Hey guys, welcome or welcome back to the channel React Action. How are you all? I hope you all are doing great. So in this video, we are going to react to by one and only Mufad. And Mufad का बहुत ही time बाद एक commercial song हम सुनने वाले हैं। Maybe एक commercial है क्योंकि इसमें जो poster है गाने, thumbnail है जो गाने का, उससे पता लग रहा है कि maybe most probably ये एक कमर्शियल गाना होने वाला है। yes. और ये इनोवा एंटरटेनमेंट चैनल पे है। So without wasting any time, let's get started and let's react to the song. Here we go. ओके तेरे मोहल्ले में आके लड़ाऊंगा तुझसे ही आके बोले दे घर पे जाके ले जाऊंगा तुझको उड़ा के तेरे मोहल्ले में आके लड़ाऊंगा तुझसे ही आके बोले दे घर पे जाके ले जाऊंगा तुझको उड़ा के प्लान भी रेडी है तेरा मैन भी रेडी है तेरी हाथ की देर क्यों हाथ पे हाथ धरे बैठी है लगी भाई समरी भाई तेरा बाप अलग स्ट्रिक्ट है एक तेरी ही खुशी उसे सहन नहीं है क्या जिसकी तू बेटी वो रोज देता बीटी बैक खुद ही सोचना है सही है क्या बाहर छज्जे पे नीचे देख तेरी सारी लाइफ खड़ी है इंतजार में हिपोक्रेट बाप और सेल्फिश माँ तेरी दोनों खुद मुझे कभी दिखे नहीं प्यार में तेरी बंद आंखें दोनों खोलू सच दिखता तो झूठ क्यों बोलू मुझे कुछ दिखता नहीं कैसे अब नोक लू अब के आंसू नहीं पोछूंगा जितना भी रो तू तेरे मोहल्ले में आके लड़ाऊंगा तुझसे ही आके बोले दे घर पे जाके ले जाऊंगा तुझको उड़ा के तेरे मोहल्ले में आके लड़ाऊंगा तुझसे ही आके बोले दे घर पे जाके ले जाऊंगा तुझको उड़ा के कलेश नहीं पसंद पर जान तेरी कसम ये बात तेरे बड़े भाई को होती नहीं हजम तू देर रात बाहर घूमे इसे फाड़ दूं मैं आंखों से कर डालू भसम कटेगा बराबर तू साइज से पिज्जा के चॉकलेट साला सड़े अपने जीजा से हेटर है तेरे मेरे प्यार का साला और आज से नहीं पहले ही दिन से हमेशा से सुले झले तो मैं बातचीत से परे रह तेरी सदा तेरे हाथ पीछे कर ले भरोसा आज आंख मीचे अरे लटका दुपट्टा और आजा नीचे ज्यादा लेंथ नहीं है एज यूजुअल जैसे मुफाड़ के गाने रहते हैं मैक्सिमम कमर्शियल थोड़े कम कमर्शियल थोड़े कमर्शियल की मैं बात कर रही हूँ तो थोड़े ज्यादा लंबे नहीं होते हैं। मैंने एक बात नोटिस की है मुफाड़ के बारे में कि एक्सपेरिमेंटल बहुत है अपनी म्यूजिक को लेके मतलब बहुत ज्यादा अलग अलग टाइप ऑफ म्यूजिक बनाते रहते हैं। पहली बात तो इनोवा एंटरटेनमेंट के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया है। yes. तो ये मतलब ये कहीं इनको स्पॉन्सर मतलब किया है या फिर इन्होंने इनको साइन कर दिया क्योंकि साइन करने की तो बात नहीं बनती है यहाँ पे लिख एलान रिकॉर्ड्स। ओके और बेसिकली देखो मुफाड की जो टोन है वो मेरे को पहले से ही हार्ड कोर स्टाइल में पसंद है मतलब जैसे कि जितने भी गाने हैं जैसे कि बीच चमका और भूत बनेगा और भी कई गाने हैं बहुत से जिसमें मतलब वो फ्लो जो है इनका जो उन्होंने पकड़ लिया है जो एक देसी और जो ये इनका बार स्पीट करने का तरीका है वो तो पहले बहुत ही अच्छा लगता है जैसे कि हर एक वर्ड में इतना इम्पैक्ट डालते हैं। मुझे गाने की स्टार्टिंग में गाना थोड़ा स्लो लग रहा था मतलब मेरे वाइब के साथ नहीं जा रहा था लेकिन जैसे जैसे गाने की पेस आगे बढ़ा गाना थोड़ा आगे हुआ तो कोरस मुझे काफी कैची लगा और उसके बाद थोड़ा फिर से ठंडा पड़ने लग गया था सेकंड वर्स में मेरे लिए लेकिन थर्ड वर्स में जो मुफाड़ ने वापस से फ्लो पकड़ा वापस से वाइब पकड़ी तो फिर मुझे और अच्छा लगने लगा। खासकर इस गाने की बात करें तो मुझे लगता है कि थोड़ा पुराना सूट है इस गाने का क्योंकि इस गाने में जो मुफाड़ की पहली बात तो जो टोन और फ्लो था वो मुझे काफी हद तक ऐसा लगा कि जैसे कि पिछले 2021 के टाइम की शूटिंग ऐसा लग रहा था मुझे। इसमें दुपट्टा वो रेफरेंस दिया है लाल दुपट्टा वाला। हाँ, तो मेरे को लगता है जब दुपट्टा शूट हुआ था उसके बाद में ये शूट किया वो गाना उस गाने का आई गेस ऑडियो ही अवेलेबल है। हाँ, तो उसके बाद किया क्योंकि उसका रेफरेंस दिया है इसमें तो
उसके बाद ही क्या होगा। हाँ तो और पता नहीं तो वो शूट कब कर दिया है वो तो हमें पता नहीं है, बट काफी सही लगा। कोरस बहुत ही कैची बनाते हैं मुफार, जब भी इनका कमर्शियल कुछ गाना होता है तो कोरस बहुत ही ज्यादा कैची होता है। और पर्सनली मुझे मुफार से ऐसा गाना एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि ये बहुत ही अलग जॉनरा है मुफार के जो रूट्स है उनसे, तो अच्छी बात है कि आर्टिस्ट को अलग अलग चीजें ट्राई करना जरूरी है। जैसे कि आपने होगी ये कमर्शियल सॉन्ग है, चाहे तो इसमें वो नॉर्मल लिरिक्स भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें भी उन्होंने काफी मेटाफोर्स डाले हैं और अपनी लाइनों में डबल एंटेंडर डाला है, काफी अच्छे बार्स भी डिसेंट है, मतलब ओवर द टॉप बार्स नहीं है लेकिन डिसेंट बार्स है, जो कि एक कमर्शियल गाने के लिए बहुत ही अच्छा है। मतलब एक वो एक बात दिखाता है कि आर्टिस्ट, मतलब मुफार एज अ आर्टिस्ट अपने आर्ट को काफी ज्यादा परसू करते हैं, मतलब अपने पैशन की तरह, और ऐसा नहीं सोचते कि ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ गाना है तो इसमें मैं उतना एफर्ट नहीं डालूंगा। मतलब हर गाने में इक्वल एफर्ट डालने की कोशिश करते हैं। और पिछले से इनका भी एक और गाना आया था आउटडोर्स, आई थिंक वो हमने मिस कर दिया है, उसको भी देख लेंगे हम। हाँ, उस पर अगर आपको रिएक्शन चाहिए तो आप बता सकते हो, नहीं तो मैसेज सुन लेंगे, और कोई बात नहीं है। क्योंकि हम जब भी कोई गाना सुनते हैं तो उससे पहले रिएक्ट करते हैं कोई नया गाना, और तब तक हम नहीं सुनते उसको, हम नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको ऑथेंटिक रिएक्शन मिले। यस, और मुफार का गाना आया था और हम ना सुने ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम बहुत ही बड़े फैंस हैं मुफार के। तो ये था हमारा रिएक्शन, एंड ओवरऑल गाना काफी अच्छा था। वीडियो की अगर हम बात करें तो उसपे मैंने देखा है कि मुफार अपने थोड़े वीडियोस पे कम एफर्ट डालते हैं और ऑडियो पे ज्यादा एफर्ट डालते हैं। मैं तो वीडियो गई ऑडियो पे पूरा डाल देते हैं, एंड वीडियो फिर मतलब उतनी भी बुरी नहीं होती, बट काफी ऐसा लग रहा था कि एक डेढ़ दिन में खत्म कर दिया है। हाँ, काम वैसा लग रहा था। हाँ, वैसा लग रहा था। और ऑडियो ने ही इतना रिटेंशन रेट दे दिया है कि वीडियो पे ज्यादा ध्यान जाएगा ही नहीं, और ऑडियो को हम बार बार सुन सकते हैं। तो ये था हमारा रिएक्शन, और ओवरऑल गाना काफी अच्छा था, एंड आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा आप कमेंट्स में जरूर बताओ, और नेक्स्ट हम किस पे रिएक्ट करें वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हो। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी।